नमस्कार दोस्तों, आप सबने देखा होगा कि आजकल हिंदू धर्म में एक मुद्दा सबसे ज्यादा विवादों में घिरा हुआ है और वह है महादेव मतलब शिवलिंग पर दूध चढ़ाना। बहुत से लोगों को या यूं कहिए कि बहुत से पढ़े लिखे लोगों को इस पूजन विधि से परेशानी है और वह इसे दूध की बर्बादी भी बताते हैं। तो आइए इस पूजन विधि का रहस्य जानकर हम भी थोड़े ज्ञानी और पढ़े लिखे बन जाएं। इस बात को समझने के लिए हमें उस समय में चलना होगा जब दूध न तो किसी डेयरी पर मिलता था और ना ही किसी पैकेट में, और ना ही दूध को गर्म करके पिया जाता था। उस वक्त कच्चे दूध का ही सेवन किया जाता था। हिंदू धर्म के अनुसार शिवजी की पूजा अधिकांश श्रावण मास में ही होती है और यह पूजन विधि भी इसी मास में सबसे ज्यादा अपनाई जाती है। श्रावण मास का मतलब होता है बरसात का मौसम, जिसे आप मानसून भी कह सकते हैं। इस मौसम में अधिकतर पेड़ पौधे बहुत अच्छे से खिल उठते हैं और इसी के साथ नमी बढ़ने से बहुत से छोटे छोटे जीव भी इन्हीं पेड़ पौधों के बीच में पैदा होकर यहीं छिपे रहते हैं। पहले के समय में हम सब गाय का दूध ही पीते थे, भैंस का दूध ना के बराबर ही उपयोग में आता था। अब जब यह गाय वन में चरने जाती थी तो घास में छिपे हुए छोटे छोटे जीव जंतु जो बरसात के कारण पैदा हो जाते थे, वह भी गाय का आहार बन जाते थे। अब गाय का शरीर कुछ इस प्रकार का बना हुआ है कि उसे इन जीव जंतुओं को खाने के बाद किसी प्रकार के जहर का कोई असर नहीं होता, लेकिन वह जो भी खाती है उससे एक रसायन बनता है और उसी रसायन से दूध भी बनता है। अब अगर किसी भी प्रकार के जहर का असर यदि उस रसायन में होगा तो वह दूध में भी पाया जाएगा। और वह दूध कौन पिएगा? हम मतलब मानव। तो इसलिए हमारे ऋषि मुनियों ने यह उपाय बताया कि इस दूध के विषैले प्रभाव से बचने के लिए मानव को इस दूध को खुद ना पीकर शिवलिंग पर चढ़ा देना चाहिए, क्योंकि सभी देवी देवताओं में केवल महादेव ही हैं जो विषपान कर सकते हैं। और विषपान करने के बाद शिवजी के अंदर जो तेज उत्पन्न होता है उसे शांत करता है जल। इसलिए दूध और दही चढ़ाने के बाद हमेशा शिवलिंग के ऊपर जलाभिषेक किया जाता है और इस पूरी विधि से शिवजी बहुत प्रसन्न होते हैं और पूजन करने वाले की प्रार्थना भी स्वीकार करते हैं। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आप इस ज्ञान को पाकर थोड़े ज्ञानी तो हो ही गए होंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कीजिएगा। आपका आभार।